फाइनली जिन लोगों को मैं एडमायर करता था, जिन लोगों को मैं देख के अपनी पोजिंग से पिक करता था, इट्स फाइनली आई एम विद देम ऑन द लिस्ट। कि हम आने वाले टाइम में ओलंपिया लाइनअप में डोमिनेट करने वाले हैं, खासकर मेंस फिजिक में। तो कम से कम ओलंपिया 2024 के लिए मेंस फिजिक डिवीजन से किसने किसने क्वालिफाई कर लिया है इसकी लिस्ट जारी की गई है। तो इसको देखने के बाद अमित आगरी का क्या रिएक्शन था एंड उन्होंने क्या कहा, इसका कंप्लीट वीडियो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। इसके साथ ही जब कॉम्पिटिशन के विषय में बातें चल रही तो हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया में जो मुंबई में अमेचर ओलंपिया होता है उसकी डेट ऑफिशियल रूप से अनाउंस कर दी गई है। ये कंपटीशन 20 से 22 दिसंबर के बीच में मुंबई में होने वाला है। इसमें 9 कैटेगरी में टोटल 25 प्रो कार्ड दिए जाएंगे और ये शो अब लगभग 27 हफ्ते बचे हुए हैं। तो जिस भी अमेचर बॉडी बिल्डर को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो अपनी प्रेप स्टार्ट कर सकते हैं। इस न्यूज के आने के बाद से एक बॉडी बिल्डर की तरफ से तो ऑफिशियल रूप से अपडेट भी आ गई। वो अपने बैक की फोटो को शेयर करते हैं और वो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 27 वीक के बाद आप लोग मेरी बैक की कंडीशन को समझ सकते हैं कि 27 वीक के बाद मेरी बैक कैसी दिखेगी ऑन स्टेज में। इसके साथ ही हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारी ये बॉडी बिल्डर है रवि पवार। ये इससे पहले भी कई बार सेरू क्लासिक एंड अमेचर ओलंपिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें वो हर बार टॉप 5 के अंदर आते थे। ब्रॉन्ज मेडल एंड सिल्वर मेडल भी ये जीत चुके हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर इस वीडियो में इनके शो के टाइम की कंडीशन देख सकते हैं कि इनका फ्रंट लुक कैसा था एंड इनकी बैक की कंडीशन कैसी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस बार रवि पवार 27 हफ्तों के बाद अमेचर ओलंपिया में अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत के क्या वो प्रो कार्ड का दावा पेश कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आप लोगों को रवि पवार का लाइनअप के विषय में बात करें तो इनके लाइनअप में अभिषेक यादव, सुंदरम एंड आपको मुनीश कुमार दिख जाएंगे, जो कि कई बार गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। मुनीश कुमार अदर कंट्री में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अभिषेक यादव एंड सुंदरम आप लोगों को याद होगा कि ये भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। बाकी बॉडी बिल्डर का हम नाम नहीं जानते। यदि आप लोग जानते हो कि इस लाइनअप में और किसने गोल्ड मेडल जीता तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही अमेचर ओलंपिया में शायद अभिषेक यादव, सुंदरम एंड मुनीश कुमार भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या अभिषेक यादव, सुंदरम या फिर मुनीश कुमार रवि पवार को एक बड़ी चुनौती गोल्ड मेडल की फाइट में दे सकते हैं कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है राजा अजीत की तरफ से। राजा अजीत अपनी प्रोसो के टाइम की इस फोटो को शेयर करते हैं एंड इसके नीचे कैप्शन में लिखते हैं, आई यूज्ड टू रिवेल इन बीइंग ऑन स्टेज, मुझको स्टेज में रहने में मजा आता है। नाउ इट्स अ स्ट्रगल फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माई इंजरी। इसके आगे राजा अजीत कहते हैं कि मुझको अपनी इंजरी के विषय में खुद ही जागरूक होना चाहिए। एट द यूनिवर्स ऑलवेज फॉल इन लव विथ अ स्टबर्न हार्ट, आई हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल बिफोर विद द सेम इंजरी। आगे राजा अजीत कहते हैं कि मैं अपने इस जिद्दी दिल से आगे भी कुछ ऐसी जो चीज़ें थी जो इम्पॉसिबल थी, लेकिन मैंने उसको फिर भी पाया है। फिर उसके बाद कहते हैं, आई विल डू इट अगेन, मैं फिर से कोशिश करूँगा और फिर से पा के दिखाऊँगा। फिर उसके बाद वो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। तो राजा जीत का कुछ इस प्रकार का रिएक्शन था। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है IFBB प्रो कार्ड होल्डर हरविंदर सिंह की तरफ से और ये खेलते हैं मेंस फिजिक डिवीजन से। हालांकि इन्होंने अभी इस शो में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन ये भी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। यहाँ पर हरविंदर सिंह कहते हैं कि मैं पिछले 2.5 साल के जो भी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था, मैं और मेरे कोच काफ़ी खुश हैं। मैं इन 2.5 साल में 2021 के अमेचर ओलंपिया में मेरी सबसे पहले 7 नंबर पर प्लेसिंग आई थी। फिर उसके बाद 2022 के सेरू क्लासिक में मैं गोल्ड मेडल जीतता हूँ। फिर मुंबई में जो अमेचर ओलंपिया होता है 2022 में मैं फिर से गोल्ड मेडल जीतता हूँ। 2023 सेरू क्लासिक में मैं ब्रॉन्ज मेडल जीतता हूँ। फिर उसके बाद 2023 के अमेचर ओलंपिया में मैं गोल्ड मेडल जीत के अपना प्रो कार्ड हासिल करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हरविंदर सिंह भी अपने विषय में आप लोगों को अपडेट देते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो सिद्धांत जायसवाल की तरफ से आती है। सिद्धांत जायसवाल भी यहाँ पर इन फोटो एंड वीडियो को शेयर करते हैं और यहाँ पर नीचे कैप्शन में लिखते हैं स्टोरी टाइम, और आप यहाँ पर देख सकते हैं वो एक काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखते हैं जिसको आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। एंड हम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर सिद्धांत जायसवाल क्या लिखते हैं। यहाँ पर सिद्धांत जायसवाल लिखते हैं, नाउ स्टोरी टाइम,
जहाँ तक मुझे याद है 2018 से मैं और रवि चौधरी साथ में कम्पीट कर रहे हैं और जब भी हम शो में मिलते थे एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट और अप्रिसिएट करते हैं। चाहे प्लेस कुछ मिले, हम दोनों में से कोई जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं 2017 इंडिया में प्रो क्वालिफायर खेल रहा और मुझे हर बार सिर्फ ब्रॉन्ज ही मिला। लगातार ब्रॉन्ज मिलने के बाद भी मैंने कभी कोई कंप्लेन नहीं किया, खुद के ऊपर वर्क करके खुद का लेवल अप किया। शो के बाद बहुत सारे लोग आते थे, मुझे बोलते थे तुम्हारे साथ चीटिंग हो रहा है, यहाँ मत खेलो, ये वो न जाने क्या क्या, और मैं किसी की भी न सुनकर सिर्फ अपने मेहनत करता था करता गया। जो भी रिजल्ट आया उसको मुस्कुराकर एक्सेप्ट भी किया और फिर 2022 में मैंने प्रो कार्ड अर्न कर लिया। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, जो लोग मुझे बोलते थे शो में चीटिंग होता है वो रवि चौधरी और बिट्टू के पास पहुंच गए और उन दोनों को भड़काने लगे। उस शो के बाद से बिट्टू मेरे साथ प्रैप करने लगा और 2023 में जब बिट्टू ने प्रो कार्ड अर्न किया तो फिर लोग रवि चौधरी को बोलने लगे सेट का सेटिंग है और बिट्टू को सेट ने जिताया लोल। अब जब 2024 में रवि चौधरी प्रो कार्ड जीते तब फिर मैंने बोला भाई अब ये लोग बोलेंगे कि रवि को भी सेटिंग से मिला है। मोरल ऑफ द स्टोरी, चाहे आप कितना भी अच्छा करो कितने भी पॉजिटिव रहो लोग आपको आकर भड़काने का काम करेंगे। आपको क्या करना है, एकदम शांत और पॉजिटिव रहकर पहले से ज़्यादा मेहनत करना है और कभी भी अपने एथलीट भाइयों से झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि सो तो हम कुछ साल ही खेलेंगे लेकिन जिंदगी में हम हर मोड़ पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऐसे प्यार से सबके साथ मिलजुल कर रहो क्योंकि एक दिन आप भी जीतोगे और ये फिर आपकी भी बुराई करेंगे। ये किसी के नहीं होते, इनको शांति नहीं, इनको केवल झगड़ा चाहिए। सो बी थैंकफुल फॉर योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर कोच, योर प्लेटफॉर्म एंड दिस लाइफ। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। मेहनत करिए, कंप्लेन नहीं, एक दिन हम सब जीतेंगे। तो कुछ इस प्रकार का सिद्धांत जायसवाल का शो के बाद रिएक्शन था। अब हम अपने नेक्स्ट अपडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमित आगरे की तरफ से। आज मॉर्निंग टाइम में जब ओलंपिया के दौरा मेंस फिजिक डिवीजन से 2024 में अभी तक के लिए किस किस बॉडी बिल्डर ने क्वालिफाई कर लिया इसकी लिस्ट जारी करने के बाद जब अमित आगरे ने इस लिस्ट में अपना नाम भी देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड उनका क्या रिएक्शन आता है उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद ईशु ठाकुर ने अपने नेक्स्ट शो प्लानिंग एंड ओलंपिया के विषय में क्या कहा उसकी भी अपडेट देखेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार से बॉडी बिल्डर एंड कॉम्पिटिशन की इसी प्रकार से सबसे पहले एंड सटीक जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। जस्ट आफ्टर डिनर हम लोग थोड़ा बाहर आए थे, मेरा बाहर ऐसी खाने के लिए एंड मुझे भी रियलाइज हुआ कि मुझे भी एक लिस्ट आई एंड वो देख के मैं बहुत काफी खुश हुआ कि फाइनली जिन लोगों को मैं एडमायर करता था, जिन लोगों को मैं देख के अपनी पोजिंग से ठीक करता था, इट्स फाइनली आई एम विद देम ऑन द लिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ बिग थिंग एज वेल, बट बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत मेहनत करनी है। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन स्क्वीज, रायन टेरी फ्रंट स्पिन पोज, बेन पुअल स्क्वीज बैक, ये सब में इंस्टीग्रन फाइनली इन सबके साथ मैं खड़ा रहूँगा एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ। But I'm happy and glad I got on Cheru Classic platform. If ये ये सब नहीं होता, ये platform नहीं होता तो शायद ये कभी होता नहीं। So and और मुझे अपडेट देना था रिगार्डिंग माई शो और इस शो में आई एम हैप्पी यार कि अपना क्लास जीतना एक बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज इट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है ना, यू नो। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ यार, इंडियन एथलीट्स इतने तगड़े हो चुके हैं और वो भी स्ट्रांग हुए हैं, मैं भी स्ट्रांग हुआ हूँ। लास्ट 6 मंथ्स में मैंने बहुत इम्प्रूव किया है, मेरे कोच बहुत ज़्यादा हैप्पी है मेरे से, है ना। और इंडियन एथलीट्स आते जा रहे हैं, पोटेंशियल आता जा रहा है, चीज़ की खुशी है मुझे कि हम आने वाले टाइम में ओलंपिया लाइनअप में डोमिनेट करने वाले हैं, खासकर मेंस फिजिक में तो कम से कम, और क्लासिक फिजिक में भी हमारी रीच पहुंच रही है बिकॉज इट टेक्स टाइम। नॉलेज अभी 5-6 साल पहले आया है, ये IIBB फेडरेशन 5-6 साल पहले है जिसकी वजह से अब इतना ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। सो थैंक्स टू मनीष गांधी एंड शेरू अंगरीश
फॉर दिस। और मेरा ये रहा कि यार मैं उतना हैप्पी नहीं हूँ गाइज, है ना। आई एम हैप्पी कि हाँ मैंने अच्छा किया लास्ट टाइम से, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री है, मेरे कोच के लिए भी कि मैंने इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया और इतने सारे अच्छे लड़कों में मैंने उनको कम्पीट किया, बीट किया और ओवरऑल खेला। मेरा चौथा ओवरऑल है तो आई एम हैप्पी, चौथा ओवरऑल है मेरा जिसमें मैंने कम्पीट किया। बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट माई प्रो कार्ड दिस टाइम, बट फॉर श्योर फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा हमें। हम फाइट करते रहेंगे, अपने आप को अच्छा करते रहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द गेम इज, है ना, डिफाइनिंग द आर्ट। और कोच के साथ डिस्कस करके ही मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है, जैसे मेरा कोच बोलेंगे। बिकॉज यार मेरे तो मेरे से खेले बिना नहीं रहता, तो मेरी डेली लाइफ स्टाइल बन चुका है ये खेलना डेली। सो हाँ यार, इंडियन एथलीट्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि किस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं। एवरीवन इज वाज लुकिंग गुड। दिस वाज द बेस्ट लाइनअप एवर इंडिया हैड इन मेंस फिजिक। ओके, सो आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई एम प्राउड ऑफ एज एन एथलीट ऑफ मेंस फिजिक कैटेगरी कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आपको और ग्रैंड एंड शाइन करना पड़ेगा, जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यार मेरे स्टूडेंट ने भी खेला था, एक स्टूडेंट ने खेला था इस बार, सो ए क्लास में था जो कि सबसे ज़्यादा टफ कैटेगरी है। और ए क्लास, बी क्लास में प्रो कार्ड मिला, सी क्लास में प्रो कार्ड मिला और ए क्लास सबसे ज़्यादा टफ कैटेगरी है, उसमें वो फर्स्ट कॉल आउट में था और उसमें सबसे ज़्यादा बंदे थे। हाँ गलतियाँ हो जाती हैं यार कि अपना पीक नहीं कर पाते, तो इट डजेंट मैटर, सारे के सारे सेम होते हैं जो फर्स्ट कॉल आउट में होते हैं। बस वही थोड़ी बहुत कंडीशनिंग, हार्डनेस, पंप, हर चीज़ मैटर करता है, सिमेट्री। सो होप फॉर बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम। और ये मेरा अपडेट था और कुछ नहीं, बस खुश रहना भाई। जो लोग खुश हैं, जो जलते हैं, जलते रहो। बट आई ग्राइंड हार्ड दिस टाइम। ओके, जैसा मेरा कोच ने बोला कि बेटा तुझे ऐसा करना पड़ेगा कि जो तू एक महीने का फोकस है वो तुझे एक साल पहले देना पड़ेगा। ओके, तो वही है डेली कार्डियो एंड वर्कआउट। ओके, वीक में 5 दिन वर्कआउट एंड 6 दिन कार्डियो के हिसाब से डेली आधे घंटे से 45 मिनट कार्डियो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कि यार ऑफ सीजन भी जाओ तो उतना अगली ना लगो ना यार, आप एक एथलीट हो। ओके, आपको घिसना पड़ेगा, आपका काम ही यही है और कुछ काम